प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लिए आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ जी, मैं जिक्र कर रही हूँ अमारा चौधरी। अमारा चौधरी आप सब वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने हाल में ही एक्टिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेकर एविएशन की तरफ रुख किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक्टिंग को पॉज करने या छोड़ने की वजह क्या रही और क्या बचपन का शौक था एविएशन में आना। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हमारा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक। हमारा सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, जो भी लड़की इतनी स्ट्रगल करके इतने ख्वाब लेकर शोबिज इंडस्ट्री की तरफ आती है, उसका एम यही होता है कि मैं शोबिज इंडस्ट्री को ही लॉन्ग टर्म परस्यू करूं। आपने शोबिज इंडस्ट्री छोड़कर या उससे थोड़ा ब्रेक लेकर एक अलग फील्ड ज्वाइन कर ली, क्या वजह रही इसकी? अच्छा, जब मैंने शोबिज बेसिकली ज्वाइन किया था तब भी मेरा कभी भी इरादा ये नहीं था कि मैं इसे परमानेंट लेकर चलूंगी, बिकॉज मैं साथ साथ अपनी डिग्री उस टाइम भी कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी। तो मेरा यूजुअली ये होता था कि मैं वहाँ स्पेल कंप्लीट करवाती थी एंड वापस आ जाती थी और अपनी क्लासेस ज्वाइन करती थी। तो होता ये है कि जब आप सिर्फ शौक के लिए एक चीज़ को लेकर चलते हो ना, तो वो फिर तब तक अच्छी लगती है। परमानेंट कभी सोचा नहीं था, इस वजह से शायद मैंने उसे उस तरह से परसू नहीं किया। अच्छा, हम किसी भी शोबिज पर्सनैलिटी की अगर स्टोरी पढ़ते हैं तो बहुत रेयर होती हैं जो हादसाती तौर पर इस फील्ड में आ जाते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग खुद तगोदौ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, भागम भाग करते हैं और यहाँ आकर एक अपना मकाम बनाते हैं। आपके साथ मुझे जो आइडिया है, हादसाती तौर पर यहाँ आ गई हो, कोई ख्वाब नहीं थे कि मैं हाँ कोई ड्रामाज में जाऊँगी, मॉडलिंग करूँगी, उस स्टोरी के बारे में हमें बताओ कि यहाँ आना कैसे हुआ? अच्छा, बेसिकली ये था कि मेरे बाबा जो है लाइक वो शुरू से ही वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और टॉक शोज देखने वाले, और मैं उनके साथ बैठ के वही चीज़ें सारी डिस्कस करी होती थी। ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था। ओके। बट मुझे ड्रामा और इन चीज़ों का बिल्कुल भी कुछ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली एक पता होता है, बाबा मेरे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे पता था इधर की परमिशन भी नहीं मिलेगी। बट वो फिर एक दफ़ा अपनी एक फ्रेंड के साथ, उसका ऑडिशन था एंड शी वॉज लाइक कि मेरे साथ चलो, तो मैं बस उसके साथ गई। तो उन्होंने कहा कि ये लाइक दो लोगों का एक है सीन, आप ना सिर्फ आ जाए उसके साथ, कंपनी दे दें और उसके साथ एक्ट कर लें बेसिकली। ओके। तो आई वाज लाइक कि मुझे तो परमिशन ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगी करके। उन्होंने कहा सिर्फ ये है कि उनके लिए आप कर लें, आप बेशक मत करें। ठीक है, चलें। हुआ ये कि वो सिलेक्ट नहीं हुई बाद में और मैं सिलेक्ट हो गई। ओह। तो उसके बाद फिर मुझे लाइक कॉल्स और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। हाँ। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, बट ये है कि 2020 में, लाइक 2019 से वैसे तो मैंने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। हाँ। कि मुझे कौन से फ्लाइंग स्कूल में जाना है, क्या करना है। फर्स्ट आए एक्चुअली प्लान कि मैं वहाँ पे करूँगी कराची में, बट माई फैमिली इज़ इन लाहौर, तो मैंने सोचा कि नहीं, लाहौर जो है वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है। तो फिर 2020 में मैंने कम्प्लीटली अपने आप को साइड पे किया 24 से, और बस ट्रेनिंग स्टार्ट की, अपनी ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट की। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो चलते हैं अभी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ